ढोल नगाड़े के साथ बाइकर्स का एंट्री किया जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों हमारे बीच मौजूद है Z900 कावासाकी Z900 वाले हैं। समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नाचने का और जबरदस्त था और हम लोग सब गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अभी रायपुर में और आज मैं जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ राइडर मीटअप में, जो कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राइडर मीटअप रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी राइडर्स आने वाले हैं। इस मीटअप की बात करें तो ये मीटअप ऑर्गेनाइज करा रही है छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब, जिसका मैं खुद मेंबर हूँ और एज ए वॉलंटियर मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये पूरा इवेंट इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी बेहतरीन ये इवेंट होने वाला है। साथ ही साथ इस इवेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होने वाली है, जिसमें ऑफ रोडिंग, आर्म रेसलिंग और लाइव म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो CZRM की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है और एकदम ढोल नगाड़े के साथ बाइकर्स का एंट्री किया जा रहा है यहाँ पर। और ये हमारे पहले राइडिंग क्लब BGMC का आगमन हो चुका है। रेडियो पार्टनर FM वाले भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। सारे राइडर्स आने चालू हो चुके हैं, हंगामा चालू होने वाला है भाई। तो एक एक करके सारे ग्रुप्स की एंट्री धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब मैं आप लोग को इवेंट के इनसाइड एरिया में ले चलता हूँ। ये एरिया में आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इंटर करते हैं हमें दिखता है CZRM 24 और उसके जस्ट साइड में हम लोग को जितने भी राइडिंग ग्रुप हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सारे राइडिंग ग्रुप के लोगो दिखते हैं। और उसके जस्ट बगल में है होंडा बिग विंग और राइडर जोन, जहाँ से हम लोग हेलमेट, जैकेट वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों हमारे बीच मौजूद है Z900 कावासाकी Z900 वाले हैं। आपको कैसे लगी गाड़ी बताइएगा जरूर कमेंट करके। फाइनली अब स्टार्ट हो चुका है ऑफ रोडिंग और अब ऑफ रोडिंग होने वाली है इस ट्रैक पर। देख सकते हैं ट्रैक इधर तो ठीक ठाक है, लेकिन उस साइड में ना पूरा गड्ढा है, पूरा गड्ढा खोद दिया गया है और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल राइडर्स भी उस गड्ढे में फंस जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कितना मजा आने वाला है।
को देखना है, एंजॉय करना है तो ये ट्रैक सवार सवार ऑफ रोडिंग का वीडियो बनाते बनाते हमें लग गई भूख और हम चले गए खाने के लिए और हम ले आए एग बिरयानी, काफ़ी टेस्टी था एग बिरयानी। गाइस देख सकते हो अभी हम लोग को ब्रेकफास्ट मिला है, सुबह के 12 बजे से यहीं थे। खाने का टेस्ट काफ़ी टेस्टी है। ये हमारा वर्ल्ड राइडर ब्लॉगर और ये हमारे संजय मंगराव सर। और पेट पूजा करने के बाद हम सीधा पहुंच गए आर्म रेसलिंग में, और आर्म रेसलिंग में मैंने देखा एक अंबुजा सीमेंट से बना हुआ आदमी था भाई, उस इंसान को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। दोस्तों एक लौता आदमी यहां पर आर्म रेसलिंग में सभी को हरा दे रहा है, उसका नाम है राहुल। इनमें से जो भी यहां पर मौजूद है इनके लिए भी बस जोरदार तालियां वापस से बजाएंगे, और पीछे जितने भी लोग हैं बड़े एवरीबॉडी कैन जस्ट कम फॉरवर्ड। हमारे इस इवेंट के चीफ गेस्ट कौन चुके हैं यहां पर, आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ी स्टाइल में यहां पर नृत्य कराया जा रहा है जो कि बस्तर की प्रथा से रिलेटेड है। हमारे चीफ गेस्ट के स्वागत में छत्तीसगढ़ी ट्राइबल डांस प्रस्तुत किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं एक सिंह जैसा मुकुट पहना हुआ है वो इंसान, असल में उसे गौर मुकुट के नाम से जाना जाता है। बस्तर में गौर मुकुट स्वाभिमान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो कि धुरवा मरिया दंडामी मरिया जनजाति के लोग इस मुकुट का इस्तेमाल करते हैं। गौर मुकुट जिस जानवर के नाम से प्रसिद्ध है, दरअसल वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जिसे हम वन भैंसा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये बिल्कुल काफी फेमस है, आप लोग देख सकते हैं। और है क्या रवि सिन्हा सर, मैं आपको चाहूंगा स्टेज पे यहाँ पे हमारे साथ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम सभी आपका सम्मान करना चाहेंगे। समाज के रूप में एक भेद है जो कि हमारे बीच यहाँ पर है, क्योंकि आज हम सभी चीजों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे बीच यहाँ दिया गया है कि कैसे हमें खुद को भी सुरक्षित रखना है, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। सभी का स्वागत कर दिया गया है यहाँ पर जितने भी गेस्ट थे, और अभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है देखो छत्तीसगढ़ का ट्रेवल गाइड, ये देखो इसको हम फुर्सत में पढ़ेंगे कहाँ पर क्या है सब कुछ इसमें दिखाएगा। हम लोग अराउंड 81 मेंबर्स का क्लब है, एंड
आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी में आप मैसेज करके आप हमारे क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फैसिलिटेट के लिए जयदेव रेड्डी एंड नरेन प्लीज। तो अब वक्त आ चुका था जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि झूमने का, नाचने का और जबरदस्त तरीके से गाने का वक्त आ चुका था और हम लोग सब मस्ती में झूम रहे थे। Yeah.